अजनी पुलिस थाना अंतर्गत बीती रात एक युवक की हत्या कर दी गई। आज सुबह युवक खून से लथपथ बेसा रोड पर पड़ा हुआ था, तब हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। मृतक का नाम संदीप किशन दुपारे बताया जा रहा है। अनुसार कपिल नगर बेसा रोड निवासी संदीप किशन दुपारे 40 वर्ष मानसिक मरीज था। वह पिछले 3 दिन से घर से गायब था। वह कहीं पर भी खाना खाता था और कहीं भी सो जाया करता था। बीती रात बेसा रोड पर भारत गैस गोडाउन के पास दो युवकों के साथ उसका गाली गलौज करने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की और वहां से भाग गए। आज सुबह परिसर के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तब उन्हें भारत गैस गोडाउन के पास एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ दिखाई दिया। किसी ने मृतक युवक को पहचाना और उसके भाई को इसकी जानकारी दी। उसका भाई घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि संदीप बेहोशी की स्थिति में है और उसके शरीर से खून बह रहा है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की, तब तक संदीप की जान जा चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा कर शव मेडिकल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं संदेह के आधार पर दो युवकों को हिरासत में लेने की जानकारी पुलिस ने दी है। संदीप दुपारे त्याची रात्रीतून हत्या झालेली आहे। त्यामध्ये आपण आतापर्यंत तपासामध्ये दोन आरोपी निष्पन्न केलेले आहेत। तर त्यांच्यामध्ये ते सिगरेट मागण्याचा वाद झाला होता। सिगरेट मागितली त्या वेडसर इस्माने, मयत इस्माने, आणि सिगरेट घेतल्यानंतर त्यांनी त्यांना शिवीगाळ वगैरे केली होती। त्याच्यामुळं त्यांनी शिवीगाळ केली म्हणून त्याला मारहाण केली आणि ते वाळत जाऊन त्यांनी दगडाने त्याच्या डोक्यावर वार केल्याने तो तिथं मयत झालेला आहे। इस मामले की आगे की जांच अजनी पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।